हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में ज्यामिति आकृतियों में समरूपता को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्त में किस प्रकार का समरूपता होता है, चतुर्भुज में, त्रिभुज में समरूपता कैसे होता है। मैं हूँ परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं, वृत्त में समरूपता। मान लेते हैं यहां पर जो है एक वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त लेते हैं, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों वृत्त जो है समरूप होंगे या नहीं? दोनों आकृति को देखने पर एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन समरूपता के लिए शर्त क्या होता है? समरूपता के लिए शर्त होता है कि इनकी भुजाओं में जो है समान अनुपात होना चाहिए। तो यहां पर भी अगर हम भुजा की बात करें तो यहां पर वृत्त में भुजा तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जो आपका वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसको स्केल करके 1 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसको हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दें, तो एक दूसरा वृत्त जो है प्राप्त हो सकता है जो कि बिल्कुल पहले जैसे ही दिखेगा, मतलब उसका जो है शेप जो है वैसा ही दिखेगा। हाँ ये अलग बात है कि इसकी अपेक्षा इसका साइज जो है अलग होगा। तो यहां पर अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त दिया गया है तो उसके स्केलिंग के द्वारा उसके त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो एक अन्य वृत्त प्राप्त कर सकते हैं जो देखने में बिल्कुल पहले वाले वृत्त के जैसा होगा, लेकिन पहले वाले की त्रिज्या और दूसरे वाले की त्रिज्या में एक निश्चित अनुपात जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग त्रिज्या का अगर वृत्त लिया जाए तो वो वृत्त जो है आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब यहां पर देखते हैं वर्ग में समरूपता। यहां पर भी वही लेंगे, मान लो एक ऐसा वर्ग लिया गया है जिसकी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है, यह भी 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर। वर्ग मतलब चारों भुजा की लंबाई समान होती है। अब यहां पर एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं डी ई एफ जी, ई एफ एक काम करते हैं, हालांकि वही मतलब है, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ए बी सी डी हो गया तो ई एफ जी एच। समरूपता के लिए दो चीज हम देखते हैं, एक तो है कोण और दूसरी है भुजा। अगर हम कोण की बात करें तो यहां पर चारों कोण जो है 90-90 अंश के हैं, यहां पर भी चारों कोण कैसे होंगे? 90-90 अंश के होंगे, यानी कि कोण ए और कोण ई बराबर, कोण बी और कोण एफ बराबर, कोण सी और कोण जी बराबर, कोण डी और कोण एच भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहां पर पहले वाले कोण, पहले वाले वर्ग के चारों कोण 90-90 अंश के, ठीक वैसे ही दूसरे वाले वर्ग में भी चारों कोण 90-90 अंश के हैं, यानी कि कोण तो यहां पर बराबर हो गए। अब अगर भुजा की बात करें तो यहां पर जो है ये 2 सेंटीमीटर वाला है और ये जो है 1 सेंटीमीटर वाला है। अगर हम यहां पर संगत भुजाओं की बात करें, यहां पर ए बी और इसमें ले लेते हैं ई एफ, तो अगर हम ए बी बटे ई एफ लें, वैसे ही बी सी बटे एफ जी ले लेते हैं, सी डी बटे जी एच ले लेते हैं, और डी ए बटे एच ई ले लेते हैं। तो यहां पर जो है ये हमको हमेशा 1/2 मिलता है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण भी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इसलिए ये दोनों वर्ग जो है
कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि दो अलग 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 नहीं बोलना चाहिए, मान लो दो वर्ग ले रहे हैं या दो आयत ले रहे हैं या दो चतुर्भुज ले रहे हैं या फिर दो त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों जो है समरूप तब कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं जो है आनुपातिक हो। तो इसी के आधार पर हम त्रिभुज में समरूपता को परिभाषित करेंगे। त्रिभुज में समरूपता, मान लेते हैं आपको यहां पर दो त्रिभुज दे दिया गया है, एक है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा वाला त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे यदि सबसे पहला संगत कोण आपस में बराबर हो, कोण ए और कोण पी बराबर होना चाहिए, कोण बी और कोण क्यू बराबर होना चाहिए, कोण सी और कोण आर बराबर होना चाहिए। ये संगत कोण बराबर हुआ है और संगत भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए, मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये जो है बराबर हमको मिलना चाहिए। और इसका जो मान यहां पर जो मिलने वाला है वही जो है हमारा स्केल गुणक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो है त्रिभुज में समरूपता के लिए जो है शर्त हो गया। ये जो है कभी कभार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे, तो इसको हम बता सकते हैं कि दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप तभी कहे जाएंगे, पहला यदि संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तथा संगत भुजाएं समानुपातिक हो या आनुपातिक हो, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तो ये त्रिभुज में समरूपता के लिए शर्त है। रेखाखंडों का समानुपातिक विभाजन, समानुपातिक मतलब समान अनुपात। इसका क्या मतलब है देखते हैं। यहां पर हमको दो रेखाखंड दिया गया है ए बी और सी डी। पहला रेखाखंड ए बी में एक बिंदु लिया गया एल जो कि ए बी को दो भाग में बांट देती है, एक तो है ए एल और दूसरा है एल बी। ठीक वैसे ही एक दूसरा रेखाखंड लिया गया है सी डी, इसमें एक बिंदु है एम जो सी डी को दो भाग में विभाजित कर रही है, सी एम और एम डी। और इस प्रकार से ये विभाजित करते हैं कि अगर ए एल और एल बी का अनुपात लिया जाए, ए एल बटे एल बी का मान जो प्राप्त होगा वैसे ही सी एम बटे एम डी का मान भी उतना ही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु एल और एम है, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो ये जो रेखाखंडों का समानुपातिक विभाजन है इसका उपयोग जो है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर ए एल बटे एल बी और सी एम बटे एम डी बराबर हो जाते हैं तो ये समानुपातिक विभाजन कहलाता है। और इसका उपयोग हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में उपयोग करेंगे। ये जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर बुक में फिलहाल नाम दिया है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो आइए देखते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होता क्या है। इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई एक त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींच दिया जाए, किसी त्रिभुज में जैसे कि यहां पर हमने ले लिया ए बी सी, एक भुजा के समांतर, तो यह है भुजा बी सी जिसके समांतर खींचा गया है डी ई।
खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, ये जो समांतर रेखा खींचते हैं बीसी के, ये दो भुजाओं को, कौन कौन सा दो भुजा, भुजा ए बी और भुजा डी ई को बिंदु डी और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां पर बिंदु डी जो है ए बी को दो भाग में बांट रहा है और ई जो है ए सी को दो भाग में बांट रहा है। तो कैसे बांटता है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वही चीज आ गया अभी, जैसे उसमें एल विभाजित कर रहा था और एम विभाजित कर रहा था, तो वैसे यहां पर डी विभाजित कर रहा है और ई विभाजित कर रहा है। अगर ए बी और डी बी और ए ई और ई सी का अनुपात बराबर हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समान अनुपात बोलते हैं। तो यहां पर ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लिख देगा केवल कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। उस कंडीशन में उसका स्टेटमेंट जो होता है, कथन जो होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब प्रमेय सिद्ध करने का एक सिस्टम होता है, सबसे पहले तो यहां पर हम लिखते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इतना जो है हमारे ज्ञात है के अंतर्गत आता है। तो हम त्रिभुज एबीसी लिए और बीसी के समांतर एक रेखा कौन सा खींच दिए, डीई खींच दिए, ये हमारे ज्ञात है के अंतर्गत आएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, ये हमारा ज्ञात है मान के चलिए। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, इसमें ये जो समांतर रेखा खींच रहे हैं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमको ये बताना है कि ये जो आप रेखा खींचे हो जो कि दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर ये समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है। तो समान अनुपात कब कहलाएगा, अगर ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो हमारा जो बोला गया है वो कथन जो है सिद्ध हो जाएगा। अब कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अगर रचना की आवश्यकता होती है तो हम वहां पर रचना करते हैं ताकि आसानी से जो है इसको सिद्ध किया जा सके। तो रचना के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहां पर जो है B को E से मिला देते हैं, तो मैं इसको जो है डॉट डॉट करके मिला रहा हूं, C को D से मिला देते हैं और यहां पर बिंदु D से इस भुजा में लंब खींच देते हैं ऐसा, और बिंदु E से यहां पर खींच देते हैं लंब ऐसा। मान लेते हैं ये है F और ये है G। तो यहां पर क्या क्या रचना हुआ, ई एफ लंब ए बी, ई एफ लंब ए बी व डी जी लंब, डी जी लंब ए सी खींचा। दूसरा क्या किए, बी को ई से और सी को डी से मिलाया, बी को ई से व सी को डी से मिलाया, ये हमने रचना किया। अब इसके बाद सिद्ध करने के लिए जो भी हम तर्क देते हैं, सूत्र का उपयोग करते हैं, वो जो है आता है उपपत्ति के अंतर्गत। और यहीं पर जो है उपपत्ति में ही हम प्रूफ करते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी को, ठीक। अब यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो इस तरफ जो है ये त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, दो त्रिभुज मिलेंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ए डी ई बी डी ई यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई बटे
त्रिभुज बी डी ई, इनका क्षेत्रफल लेना है हमें। हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 गुणित। अगर हम ये ए डी ई में लें तो आधार हमको किसको लेना पड़ेगा, ए डी को लेना पड़ेगा, आधार ए डी। ऊंचाई कौन सा होगा, जो लंब है, तो ए डी ई के लिए लंब कौन सा मिल रहा है हमको, ये ई एफ, तो वही जो है ई एफ लंब होगा। ठीक वैसे ही त्रिभुज बी डी ई का लें, त्रिभुज बी डी ई इसका क्षेत्रफल लें, तो आधार क्या लेना पड़ेगा हमको, बी डी लेना पड़ेगा, 1/2 गुणित बी डी गुणित। अब इसके लिए, अब यहां पर अगर हम देखें कि ये बी डी ई को अगर लेते हैं, तो आधार तो हमने बी डी ले लिया, पर ऊंचाई कौन सा होगा, तो ये बी डी से तो कोई लंब है नहीं, लेकिन बी डी को आगे बढ़ाने पर लंब हमको कौन सा मिल रहा है, ई एफ ही मिल रहा है, तो वही वाला लेना पड़ेगा हमको। तो यहां पर हो जाएगा ई एफ, तो ये 1/2, 1/2 ई एफ, ई एफ कट गया, तो यहां पर हमको मिलेगा क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे बी डी, समीकरण नंबर एक करके रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इधर से लें, इस साइड से, तो फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। यहां पर एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है ऐसा, आधार तो हमारा ये है, ऊंचाई किसको लेते हैं, इस बिंदु से यहां आधार में हम लंब डालते हैं, तो ये जो लंबवत रेखा होता है यही जो है ऊंचाई होता है। लेकिन अगर ये त्रिभुज जो है ऐसा हो, ऐसा त्रिभुज हो, तो आधार तो इसको लिया जाएगा, लेकिन इसका ऊंचाई कैसे ले, तो ये जो शीर्ष बिंदु है यहां पर इसमें लंब डालना पड़ता है और इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लंब होगा, तो ये जो है आपका ऊंचाई होगा। किसी भी वस्तु का ऊंचाई हम ऐसा तिरछा ज्ञात नहीं करते हैं, लंबवत ज्ञात करना पड़ता है। तो यहां पर वही हो रहा है कि अगर हम त्रिभुज बी डी ई को लेते हैं तो हम इसमें से इसको ऊंचाई नहीं ले सकते, नहीं इसको ऊंचाई नहीं ले सकते, इस भुजा को आगे बढ़ाया गया और इसको जो है ऊंचाई के रूप में हमको लेना पड़ा है, तो यही जो है एक कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अब इस तरफ से अगर हम लेंगे तो आधार बनेगा एई और ऊंचाई कौन सा बनेगा, डीजी, 1/2 गुणित आधार है एई और ऊंचाई है आपका डीजी। सीडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार ईसी बनेगा, 1/2 गुणित आधार ईसी गुणित ऊंचाई डीजी। यहां पर ये दोनों फिर कट जाएंगे, तो आपका क्या बचा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर एई बटे ई सी, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए, समीकरण 1 और 2 को यदि हम देखते हैं तो अंश में ए डी ई का क्षेत्रफल, यहां भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, हर में केवल अलग अलग है बी डी ई और सी डी ई। तो आप 9th क्लास में जो है एक प्रमेय पढ़े, अगर
कोई दो त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज है जो कि एक ही आधार में बना हुआ है, ये आधार में बना हुआ है और एक समांतर रेखा, मतलब ये दोनों रेखा समांतर है, इस आधार में बन रहा है और इसी समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। मान लो ये एक त्रिभुज हमने ले लिया, आधार ये है और इसी समांतर रेखा के बीच बन रहा है, और एक मान लो ये वाला है, ये वाला त्रिभुज, तो इसका भी आधार यही है और इसी समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां पर वही हो रहा है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, इसमें एक भुजा डी ई उभयनिष्ठ है, आप उसी को आधार मान लीजिए, और ये दोनों जो है समांतर रेखा है, ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखा है यानी कि एक ही समांतर रेखा के मध्य में बन रहा है, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा, के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 3 हो जाता है। तो ये बी डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये बी डी ई के क्षेत्रफल के जगह, इसके जगह हम सी डी ई का क्षेत्रफल रख देंगे, तो ये भी ए डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल, ये भी ए डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल, मतलब लेफ्ट हैंड कैसे हो जाएंगे, बराबर। जब लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएंगे तो दोनों के राइट हैंड भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम उतना न लिख करके सीधा सीधा लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, अगर इन तीनों को एक साथ लिया जाए तो इसके लेफ्ट हैंड बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड बराबर होने के कारण राइट हैंड भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर राइट हैंड में क्या दिया गया है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे सिद्ध, और इस प्रकार से ये आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो है सिद्ध हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।